तो दोस्तों आप सभी लोगों को भी पता है कि जियो 5G आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फोन में जियो 5G को एक्टिवेट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे फोन में भी 4G एक्टिवेट है। अब आप लोगों को लाइव में इसे 5G में एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप इसे 5G में एक्टिवेट करके आप भी 5G का मजा ले सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, तो आप लोगों को कंप्लीट देखना होगा। बहुत लोगों ने इसे एक्टिवेट करके इस्तेमाल करना भी चालू कर दिया है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। अगर आप जियो यूजर हो तो आप लोगों को भी 5G एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रू 5G वाले ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको मिल जाता है इज योर डिवाइस 5G रेडी, इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशन योर डिवाइस इज ट्रू 5G रेडी, यानी कि आपके फोन में क्या हुआ है, रेडी हो चुका है ट्रू 5G। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन में एक सेटिंग करना होगा, तो इसे यहाँ से आपको कट करना है। अब उसके बाद आप लोग अब आपके फोन में रेडी हो चुका है जियो ट्रू 5G, तो गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्कैन किया जाएगा और सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीजें हमारी एक्टिवेट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे दो चीजें भी यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपडेट करने बोला, तो अपडेट ना वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद वहां से सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको फोन के सेटिंग में आना है, नेटवर्क वाले सेटिंग में जाना है। अब यहां से आपको सिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है, यहां से आप लोगों को 5G को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो 4G जो एक्टिवेट है ना, उसे हमें क्या करना है, 5G में एक्टिवेट करना है। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है प्रीपेड नेटवर्क टाइप, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको क्या क्लिक करना है, 5G वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 5G वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5G क्या हुआ है, एक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, 5G को यहाँ से एक्टिवेट करना है। एप्लीकेशन से पहले वहां पे परमिशन देना है, उसके बाद यहाँ से 5G एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन में जियो ट्रू 5G को एक्टिवेट करके इस्तेमाल कर सकते हो। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, काफी अच्छा नेटवर्क स्पीड भी मिल रहा है। बहुत लोगों ने इसका रिव्यू दिया है, तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप जियो यूजर हो, आपका फोन 5G है, तो आप भी 5G का मजा ले सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ट्राई जरूर करना। तो इस प्रकार से आप यहां से ऑन करोगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, 5G ऑन हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट 5G और स्मार्ट 5G स्टैंड लोन यहाँ पे ऑन हो गया, दोनों सेटिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे फोन में हमेशा के लिए 5G एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको एक बार फोन को रिस्टार्ट करना है, उसके बाद नेट को इस्तेमाल करना चालू करना है। अब आपका फोन क्या हो गया, पूरी तरह से 5G नेटवर्क स्पीड देने वाला है। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हो, अपने फोन को, अगर आपका फोन 5G है, तो 5G का फायदा उठा करके आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो।